संगत को प्रणाम। संगत जी, आप सब मुझे लगता है गुरुजी से पहले ही जुड़े हुए हैं, नई पुरानी संगत कोई भी नहीं है, क्योंकि जब मैं आया था वो जिस तरह का डिसिप्लिन संगत दिखा रही थी, मैंने अंकल को बोला, सरदार अंकल साथ में पता नहीं नज़र नहीं आ रहे, तो मैं कहा यार वो कम्युनिटी सेंटर और ये वो इतना व्हाट्सएप के ग्रुप में घूम गया है तो हौच पौच बड़ा होगा। तो गुरुजी ने क्या किया, यहाँ से माथा टिकवाया और मैं कहा गुरुजी ऐसी जगह बिठा देना जिथे ना ज़्यादा हौच पौच ना होवे, क्योंकि असी ते तुहाडे चरणां नाल जुड़न आए हाँ। तो गुरु जी ने सब तो पहले बाहर भेजता और लास्ट जाके कुर्सी मिल गई, क्योंकि मोटे है तो जमीन पर बैठा नहीं जाता। बाकी गुरु जी ने ब्लैस जरूर किया और मैं वो सत्संग जरूर अपना सुनाऊँगा। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद एक दो चार बच्चे वहाँ बैठे हुए थे और वो अपना शोर मचाना शुरू, तो वो अंकल मेरे साथ बैठे थे तो उन्होंने उनको बोला चलो जाओ यहाँ से। अब वो भी गुरुजी की संगत है, मैं कोई बात नहीं अंकल, इन्होंने ना बुजुर्गों से सीट मलक्की हुई है तो इतनी देर में एक बुजुर्ग आंटी आई, उनको सीट चाहिए थी, गुरुजी ने उनको जगह दे दी। फिर एक अंकल दूर से आए, मैं कहा शायद वो पूछने आ रहे हैं चाय प्रसाद मिला नहीं मिला, कहते हो अंकल अंदर बैठोगे, मैंने कहा ला मैंने तो गुरुजी को कुछ कहना भी नहीं पड़ता, उन्होंने चुपचाप बुलाया और यहाँ पे चेयर खाली मिलेगी मुझे भी नहीं पता था। सो जय गुरु जी। ये क्या है, जिन्ना शुक्राना करिए गुरु जी का घट है। आंटी कह रहे हैं ना कि जैसे मेरा वो चल गया कौन सा शुक्र करा, है ना, मतलब मांगने की क्या जरूरत है, हमें तो गुरु जी के दरबार में आके वो ब्लेसिंग्स क्या हैं, जिस जो आपकी सोच से परे है, जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जैसे अंकल ने बताया कि मैं इतनी प्रॉब्लम में था, और मेरा ख्याल है 99% लोग जो है ना वो प्रॉब्लम से जुड़ते हैं, 1% कोई विरला ही होगा जो प्यार में मोहब्बत में गुरुजी के पास पहुंच गया होगा। तो जब मेरे को गुरुजी ने अपने पास दरबार में बुलाना था तो बहुत प्रॉब्लम में था, आई वॉज इन डीप डिप्रेशन, और दवाई लेके ऑफिस में ऐसे सुदबुद होके पड़ा रहता था, मुझे ये नहीं पता लगता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लड़के अपना लिखते थे और फिर मुझे बाद में बताते थे। तो मेरी बुआ की बेटी हैं रोमा आंटी, तो उन्होंने मुझे बार बार कहना जा तू गुरुजी के पास जा, गुरुजी के पास जा, और मुझे पता नहीं था गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं। तो जिस दिन पहली बारी मैं बैठा हुआ था, तो ये सत्संग क्या है, सत्संग वो है, वो नरेशन है, कोई ये प्रवचन नहीं है, ना कोई मैं पंडित, ना किटियर अंकल पंडित, ना कोई और जो भी सत्संग करना चाहेगा वो कोई आपको कोई प्रवचन नहीं सुनाना है, ना साढ़े गुरु ने कभी प्रवचन किया, गुरु जी कभी नहीं बोलते होंगे सी ए करना वो करना। हाँ ठीक है, कुछ वचन संगत ने आगे से बना दिए वो हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बात जो गुरु जी ने सबसे पहले हमें सिखाई, क्या सिखाया कि भी गुरु दे कोल आयो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाल ध्यान लगाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और ये सबसे पहले दिन गुरु जी ने जब मेरे को बुलाया, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो आंटी का फिर फोन आया, तो मैंने उसको जस्ट टालने के लिए बोला, तो सतीश अंकल भी आए हुए हैं, वो साथ में बैठे हुए थे, किसी काम से मेरे पास आए थे, तो कहते किसकी बात कर रही है आंटी, मैं कहा यार पता नहीं को गुरु आ गया छतर भाई, गुरु जी मुझे माफ़ करें हम मानते नहीं थे। तो क्यों नहीं मानते थे, मैं दो शब्द हमेशा कहता हूँ अपने सत्संग में, गुरु जी कहलवाते हैं, कि मैं ये मानता था उल्टा, कि मैं ये कहता था कि जो हमने दो शब्दों में दो लाइनों में सुना था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए या दिखाए, यानी कि गुरु ने अगर भगवान या गॉड के दर्शन कराने हैं या मिलवाना है तो सीधा भगवान के पास चलो, गुरु की क्या जरूरत है, मैं अनजान था। और अब कितना शुक्राना करें, हम इतने वडभागी हैं, और एक संगत ने तो नाम ही रख दिया वो वडभागी अंकल तो वो कहते हैं वडभागी अंकल, मुझे बड़ी खुशी, वो चाहे वो टिचकरे में कहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ, मुझे किसी ने बताया वो आपको ना छेड़ते हैं, मैं कहा ये छेड़ नहीं है उनको, फिर वडभागी का मतलब ही नहीं पता, वडभागी मीन्स वी आर चूजन वन From lakhs of people, गुरु जी ने हमें चुना और अपने चरणों में लगाया, और वो वडभागी कौन जो भगवान के साथ जुड़ जाए, और गुरु जी ने अपने श्री चरणों में जोड़ा, जिसका जितना शुक्राना करे कम है, और सत्संग भी यही है। गुरु जी ने जब पहली बार बुलाया तो अंकल ने मेरे मन में डाला कि यार वो एक आंटी हैं, एक हमारी पड़ोसन है, इन्होंने बोला तो उनके ना बेटा बच्चा नहीं होता था, तो गुरु जी ने 13 साल बाद गुरु जी के पास जाना शुरू किया, तो उनके 13 साल बाद संगत जी आंटीज कुर्सी वाली आंटीज, हाँ प्लीज, हाँ आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो संगत जी ने कुछ कहना भी नहीं पैंदा, खुद ही चुप हो गए।
ਸੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਲਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨਕੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਨਕੋ ਬੇਟਾ ਬਲੈਸ ਕੀਆ। ਹਮੇਂ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਲੈਸ ਕਿਆ ਹੋਤਾ। ਮੈਨੇ ਮਨ ਮੇਂ ਸੋਚਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਿਟੀਆ ਬੜੀ ਹੈ ਔਰ 9.25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਹਾਮਾਈ, ਮੈਂ ਮਹਾਮਾਈ ਕੋ ਮਾਨਨੇ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਮਹਾਮਾਈ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ 9.25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦੀਆ, ਉਸਸੇ ਛੋਟਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਤੇ ਇੱਕ ਔਰ ਭਈਆ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੇਂ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਟੂਟਾ ਹੁਆ ਸਕੂਟਰ ਥਾ ਔਰ ਜਬ ਵੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਜੁੜੇ ਥੇ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਗਾੜੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮੇਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਸਤਸੰਗ ਕਿਆ ਹੈ? ਸੱਚ ਕਾ ਸੰਗ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਲੈਟ ਅਸ ਟਰਾਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਲੈਟ ਅਸ ਟਰਾਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਆਂਟੀ, ਲੈਟ ਅਸ ਟਰਾਈ ਵਾਲੀ ਆਂਟੀ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦੇ ਥੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚਾ, ਹਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥਾ ਵੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਹੈ ਐਸੇ ਹੀ ਗੱਦੀ ਕੇ ਆਗੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਵਾ ਰਹੇ ਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਰ ਕਿਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਲਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੱਥਾ ਕਹਾਂ ਟਿਕਵਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਧ ਬਨੇ ਮਨ ਸੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋ ਕਹਾ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਬ ਆਏਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੋ ਅਭੀ ਤੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੋ ਅਭੀ ਤੱਕ ਇਸ ਉਮਰ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤਬ ਵੀ ਅਭੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਵੋ ਉਨਕਾ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਥਾ? ਕਹਤੇ ਉਨਕੋ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵੋ ਆਂਖੇ ਚਾਹੀਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਖੇ ਕਿਆ, ਵੋ ਦਿਵਯ ਆਂਖੇ ਵੀ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਮੈਂ, ਮੈਰਾ ਆਂਟੀ ਹੈ ਉਨਕੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਮੇਂ ਸਤਸੰਗ ਥਾ, ਹਮ ਪਿਆਰ ਸੇ ਐਸੇ ਆਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਥੇ, ਤਬ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਥੇ, ਉਹ ਗਰਗ ਅੰਕਲ ਥੇ, ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਅੰਕਲ। ਤੋ ਹਮ ਤੀਨੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤੋ ਸਿਧਾਰਥ ਅੰਕਲ ਆਏ ਹੋਏ ਥੇ ਵਹਾਂ ਪੇ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥਾ ਉਨਕਾ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਲੀ ਥੀ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਜੈਸੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਅਭੀ ਗਾਇਆ, ਤੋ ਸਿਧਾਰਥ ਅੰਕਲ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਤੇ ਹੈ ਵੋ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨਾਚਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸੋਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਯਸ਼ੋਦਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਬੁਲਾਣਾ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਮੀਰਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਐਨੀਵੇ, ਤੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਸਕੁਰਾਓ, ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇ ਰਹੋ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਾ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਤੋ ਮੈਨੇ ਜੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਯੂੰ ਕੀਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਂਤ ਦਿਖਣੇ ਲੱਗਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਥਾ, ਯੈਲੋ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਟੀਥ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਸੂੰ, ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸੇ, ਉਹ ਦਾਂਤ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਐਸੇ ਹੋ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੱਸੂੰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਇਲਿਊਜ਼ਨ, ਭਰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੋ ਮੈਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅੰਕਲ ਕੋ ਬੋਲਾ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅੰਕਲ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੰਦ ਦਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਹੱਸਣਗੇ। ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਹੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸੇ, ਮੁਝੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੱਸਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਅੰਕਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਡਭਾਗੀ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਬ ਮੁਝੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਮਨੇ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀ, ਤਬ ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਹੋਤੀ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਤੋ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਜਾਵੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮ ਆਏ, ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਹਮਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੈਲਦੀ ਆਂਟੀਆਂ ਉੱਠ ਗਈ, ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਸਮੰਜਸ਼ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਤਾ ਥਾ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੁਝੇ ਐਸੇ ਹੋਣਾ ਪੜਤਾ ਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਲੰਬਰ ਬੋਨ ਮੇਂ ਜੋ ਵਰਟੀਬਰਾਸ ਹੈ, ਜਿਸਕੋ ਹਮ L1, L2, L3 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਡਿਸਕ ਹਿਲੀ ਹੋਈ ਥੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੀ, ਔਰ ਜਿਸਕਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸੇ ਮਾਂਗਨੇ ਵੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਥਾ, ਔਰ ਜੋ ਮਾਂਗਨੇ ਗਿਆ ਥਾ ਵੋ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੁਝੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਆਗੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਬਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਨਕੋ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਮੈਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਕਭੀ ਸ਼ਿਵ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੋ ਕੋ ਹਾਥ ਪਕੜਤਾ ਹੂੰ, ਲਗਾਤਾ ਹੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਮਹਾਮਾਈ ਕੋ ਮਾਨਾ, ਮੈਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਕੋ ਮਾਨਾ, ਜੋ ਹਮਨੇ ਸਿੱਖਾ ਬੜੋ ਸੇ, ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇਂ ਹੋਤਾ ਥਾ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਿਵ ਕੋ ਮਾਨਨੇ ਵਾਲਾ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਝੇ ਬਿਠਾਇਆ ਆਲਤੀ ਪਾਲਤੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਅਗਰ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੂੰ, ਤੋ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਥਾ ਆਲਤੀ ਪਾਲਤੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਟੇਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪੜਤੀ ਸੀ, ਅਭੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਤਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਝੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਆ 42 ਮਿੰਟਸ ਬਿਠਾਇਆ, ਔਰ ਜਬ ਹਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਥਾ ਜੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਤੇ ਹੈ ਨਾ ਅੰਕਲ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਗਰਮੀਓ ਮੇਂ, ਤੋ ਚੋਟੀ ਵਾਲੇ ਕੀ 5 ਪੁੜੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਖਾ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਕਿਆ ਬੋਲਾ, 42 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁਆ ਕੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੁਝੇ ਉਹ ਜੋ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵਜੀ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਬਤਾਇਆ ਥਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ।
और गुरुजी ने वो सब धीरे 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 ठीक करना शुरू किया, जिसमें काफ़ी सारे सत्संग हैं, जिसमें मेरी कमर का सत्संग है। गुरुजी ने पहली बार डुगरी बुलाया, सिंपली एक झाड़ू लगवाया दरबार में, ऊपर जो लोग संगत गई इतना ही बड़ा ही दरबार है, तो वो लंबाई वाली जगह मुझे मिल गई। मैं झाड़ू लगा ला, आधे रास्ते बस हो गई, अंकल आते मैं सेवा कर देता हूँ। मैं कहा नहीं, सेवा मुझे मिली है मैं ही करूँगा। मैंने पूरी सेवा की, एक तरफ का पूरा झाड़ू लगा के साफ किया। उन दिनों सिर्फ, अभी भी मुझे नहीं पता एक दिन खुलता है या नहीं, कब खुलता है, तो उन दिनों तो बकायदा एक ही दिन खुलता था, अभी मुझे नहीं मालूम बीच में खुलता है कि नहीं डुगरी का दरबार। तो पहले जब सत्संग हो जाता था तो पूरी सफाई करके फिर बंद किया जाता था उसको। फिर हम आगे आए, मैं गुरुजी के आगे बिल्कुल आके लेट गया, दो आंटी मेरे साथ थी, तो इतनी देर में आंटी आई, कहते उजंगल की गल है थक गए। मैं क्या हालत तो अंदरों खराब है। कहते ये जैसे रंगोली सजी हुई है, अब आप देखो वहाँ कितनी लंबी लंबी रंगोली होती है, कहते उठाओ सारी। मैं कहा जय गुरुजी। गुरुजी ने सेवा दी, अंकल अट्टी ने वो सेवा की, गुरुजी के आगे माथा टेका, फ्रेग्रेंस आई और पीछे कड़क की आवाज आई कमर में, जब मैं सीधा खड़ा हुआ और मुझे लगा कि अब एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। अभी उन दिनों हॉस्पिटल बना नहीं था, उसकी इनॉग्रेशन थी, तो मैंने कहा जी जय गुरुजी, और वो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, उसके बाद लाइफ दी। संगत जी ये एक छोटी सी ब्लेसिंग है जो मैं नहीं मांगी थी, गुरुजी ने मुझे दी, और ऐसी अनेकों ब्लेसिंग है। और सिर्फ गुरुजी के पास आके सीधा जुड़े, और सोनिया आंटी के अपने सत्संग भी इसी तरह के हैं। जब ये जुड़ी थी तो कहती थी कैसे, तो शायद मुँह से कभी निकलवाया था कि आंटी सिर्फ अरदास गुरुजी नाल, तो गुरुजी से अरदास लगाई तो आज गुरुजी ने अपने चरणों में लगाया। सो जितना शुकराना करें, शुक्र करा गुरुजी तेरा, शुक्र करा तुसी अपने चरणों नाल लगाया और इन्नी प्यारी संगत नूं मिलाया और हमें बड़ा मंदिर दिया। और सेवादारों की तरफ से ये रिक्वेस्ट है, जो भी सेवा में हैं, एक तो उनकी बात माने, और दूसरी बात जो बाहर लंगर ले रहे हैं, अपना लंगर पूरा फिनिश करना, ये सबको पता है मेरा क्या है आजकल, और लंगर लेके वहीं से आज्ञा लेंगे गुरुजी हर जगह, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। और ये मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के जैसे सेवादार आपको बोले हमें वैसे अनुसरण करना चाहिए, गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत ही पसंद है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने बुलाया, सत्संग करवाया, थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी।